हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, यार बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वारी करते हैं कि भैया मैं आयसर में जाऊं कि नायसर में जाऊं, नायसर में जाऊं या आयसर में जाऊं, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। ओके, और हाँ बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछ लेते हैं, भैया फ्यूचर में स्कोप किसका ज्यादा है और सबसे ज्यादा सैलरी किस में मिलेगा। ओके, सो आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सबसे ज्यादा सैलरी किस में मिलने वाला है, सबसे ज्यादा फ्यूचर स्कोप भी किसका है, ओके देन सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, स्कोप किस चीज का है, चाहे वो आयशर हो चाहे नाइसर हो, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे कोर्सेस तो सेम ही हो रहा है ना, तो स्कोप की तो बात ही क्या है। ओके, तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है, फीस में क्या इश्यू आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सैलरी का ही था कि भैया सैलरी क्या है ये नाइसर, क्या है ये आयसर, क्या होगा आखिरकार, क्या यहाँ से कोर्स करते ही क्या हम बन जाएंगे साइंटिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ओके यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता कभी भी। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है IISER देन है NEST। आईसर के अंदर जो हमारे टोटली 7 आईसर्स इंक्लूड है, जैसे कि आईसर पुणे, आईसर भोपाल, आईसर मोहाली, आईसर तिरुवनंतपुरम, आईसर कोलकाता, आईसर तिरुपति, आईसर बहरमपुर, ऐसे ऐसे जितने भी हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसके अंदर जो आते हैं, एक आता है NISER भुवनेश्वर, एक आता है CEBS मुंबई यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं आयसर का। तो यार ये आयसर जो है ये हमारे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स वगैरह होता है, जिसके अंदर हमारा जो CBSE वगैरह चलता है उसके अंडर में आता है हमारा आयसर्स। देन सेकंड जो आता है हमारा ये नाइसर और CEBS है, ये जो है ये इसके अंडर नहीं आता, ये DAV वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी भाभा परमाणु रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसके सिस्टम के जरिए होता है इसका। जैसे हमारा, अब आपको पहले एक मैं अच्छी बात बता देता हूँ नाइसर और CEBS मुंबई के बारे में। जैसे यार आपने IIST का नाम सुना होगा, राइट? तो जैसे जो भी बच्चे IIST में पढ़ते हैं उनका डायरेक्ट जो है IIST का इसरो के साथ बॉन्डिंग है। तो जैसे जो बच्चे IIST में अभी जो है 7.5 CGPA ले आते हैं अगर, तो वो डायरेक्टली जो इसरो में इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हैं। वैसे ही CEBS मुंबई में होता है, जो भी बच्चे एटलीस्ट 6.5 या 6 जो भी उनका क्राइटेरिया है वो अगर ले आते हैं, तो जो है वो डायरेक्टली जो है भाभा परमाणु रिसर्च एटॉमिक वाला है, जो भी मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो भी रिसर्च सेंटर है वहां पे डायरेक्टली इंटरव्यू देके एज ए साइंटिस्ट पोस्ट जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था। ओके, सेकेंड ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आयसर का अच्छा है कि नाइसर का अच्छा है। तो यार सबसे अच्छा तो आयसर मोहाली का लगता है मुझे, और वैसे बहुत ही अच्छा है, ठीक है, चाहे वो आयसर ले लो चाहे नाइसर ले लो, ठीक है कंडीशन। ओके, देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है फंडिंग का, कि किसको ज्यादा फंडिंग मिलती है। तो यार बेसिकली सभी को पता है, ठीक है, ये जो हमारे आईसर्स है उसको तो कम मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो नाइसर और CEBS मुंबई है उसको थोड़ी सी क्या कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा नहीं होती है मतलब फंडिंग, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट आईसर्स है, लेकिन नाइसर की थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, चाहे वहाँ पे जो रिसर्च हो चाहे वो मशीनें हो, जो भी सारे कार्यक्रम होंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा फंडिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा वहाँ का एनवायरनमेंट हो, चाहे उनकी मशीनें हो चाहे उनके लेब हो चाहे उनकी फैसिलिटीज हो चाहे उनकी फैकल्टी हो। ओके, सो उस हिसाब से तो नाइसर इट्स वेरी बेस्ट। ओके, देन यार आपका जो कोर्स होता है वो होता है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, नाइसर में भी 5 का होता है, आइसर में भी 5 का होता है। देन जो है आपका जो आइसर का जो चलता है, ठीक है, हमारा जो आइसर का कोर्स, यार आपको जनरली एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे हमारी जो डिग्री मिलती है चाहे वो बीटेक की हो चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ क्रेडिट स्कोर से ही होता है। जैसे हमें बैंक लोन देता है तो वो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करता है, वैसे हमारा क्रेडिट स्कोर होता है चाहे वो 20 हो 40 हो। ओके, सो हमें उसके लिए कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आइसर्स की नाइसर्स की, तो जो हमारे आइसर्स है उसके अंदर 2 साल तक हमें जो है बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, देन जो है थर्ड ईयर से जो है मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं आइसर आइसर के अंदर,
अंदर 2 साल तक चलते हैं वो, ठीक है। देन जो 5वां साल होता है उसके अंदर जो है हमारे जो भी रिसर्च वगैरह होती है उसके ऊपर वर्क होता है, ठीक है। देन लेकिन आईसर में नाइसर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नाइसर और सीबीएस मुंबई में। इसमें क्या होता है कि हमें जो हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मेरी जो भी प्रोग्रामिंग है, डेटा है एंड अदर अदर, वो जो है सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा मेरा। ओके, देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में चलेगा। ओके, देन जो मेरे जो भी एमएससी है, चाहे मेरी रिसर्च डिपार्टमेंट है, चाहे वो लैब्स हो, ठीक है, वो 2 साल चलेंगे, यानी कि फोर्थ ईयर और 5 ईयर। लेकिन आईसीआर में सिर्फ 5 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर चलता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे यार। मैं जो फोकस करता हूँ, सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, वो मशीनों से प्यार करो, लैब से प्यार करो, ठीक है, एंड जो भी हमारा रिसर्च होता है उससे प्यार करो। तो ये जो है आईसर्च में बच्चों को थीसिस के लिए थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, जो भी वहाँ की लेबोरेटरीज है वहाँ पे थोड़ा कम टाइम बिता पाते हैं, रिसर्च में कम टाइम बिता पाते हैं, क्योंकि जो सेकेंड ईयर वाला है उनका, क्योंकि वो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो 2 साल पढ़ाते हैं, ना सर सिर्फ 1 साल पढ़ाता है। ओके, क्योंकि जो है सबसे ऑलमोस्ट अगर आपको मैं बताऊं, तो जितने भी बच्चे चाहे वो नाइसर में पढ़ते हैं ना, वो जो है नाइसर हो चाहे आयसर, वो बाहर जाना पसंद करते हैं, ठीक है, बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज की ओर, वो ठीक है। लेकिन वो उनका मेन मोटिव यही होता है, सैलरी जॉब नहीं लेना चाहते बहुत सारे बच्चे, वो जो है रिसर्च पर फोकस करते हैं, जैसे पीएचडी है या फिर पीडॉक है, ओके, तो उस पे फोकस करना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है थीसिस और रिसर्च। सो बच्चे वही करते हैं कि कम से कम उनको 2 साल मिलने चाहिए, तो उसके लिए नाइसर बेटर है वैसे। ओके, क्योंकि आयसर में सिर्फ 1 साल की थीसिस मिल पाती है, राइट। और रही बात यार स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, ठीक है। मैं वीडियोस देख रहा था जिसके अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नाइसर के पास फंडिंग होती है, वो स्कॉलरशिप देता है, तो स्कॉलरशिप का पढ़ाई से क्या कनेक्शन, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। ऐसे छबरी यूट्यूबर्स को आप ब्लॉक मारिए। ओके, देन आपका क्या ऑप्शन बच गया, प्लेसमेंट। यार प्लेसमेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके अंदर कोई वैसा चक्कर नहीं है। हाँ, अगर आप नाइसर और सीबीएस से हैं, तो आपको जो है होमी जागीर बाबा इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट साइंटिस्ट जॉब मिल सकती है। ओके, देन जो है आप पे बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, वहां पे जा सकते हैं यहाँ से। ओके, देन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनियन, कैम्ब्रिज, जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, टेक्सास एंड अदर अदर जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आप जा सकते हैं आईसर नाइसर दोनों से, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, दोनों ही इंस्टीट्यूट बेस्ट है। रही बात आईसर और नाइसर की सीटों की, तो यार जो है 257 सीटें हैं, यानी कि 257 सीटें हैं नाइसर और सीबीएस मुंबई में, जिसमें सीबीएस मुंबई की सीटें हैं 57, नाइसर भुवनेश्वर की सीटें हैं 200, ठीक है। देन जो है हमारी जो आईसर्स है उसके अंदर एटलीस्ट 700-800 सीटें ऐसे कुछ होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को सीटें यार आई थिंक अभी तक जो सीटें हैं आईसर्स के अंदर वो 1800-1900 टोटली सीटें अवेलेबल हैं। जैसे कि आप मान सकते हो बहुत सारे आईसर्स में कितनी है, 270+ सीटें हैं, और एक दो इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जिसके अंदर जैसे कि 180 के लगभग है आई थिंक एक आईसर्स के अंदर, और जो भी है चाहे आईसर्स के अंदर 280, 282, 270 ऐसे कुछ सीटें हैं। तो टोटली जो आईसर की जो सीटें होती हैं वो कितनी हो गई, 1700-1800+ सीटें हो गई है, ठीक है। और नाइसर में सिर्फ 257 है सीबीएस मुंबई के साथ इंक्लूडेड। तो यार दोनों ही इंस्टीट्यूट टॉप के इंस्टीट्यूट है, आप ऐसे घबराए नहीं कि आईसर लें कि नाइसर लें। रही बात जैसे आपको एटॉमिक रिसर्च एंड इसमें इंटरेस्ट हो, या फिर आपको होमी जहांगीर बाबा के अंदर डायरेक्ट जॉब चाहिए, तो आप जस्ट टारगेट कर सकते हो सीबीएस मुंबई, जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके जो है वहाँ पे जॉब ले सकते हो। जैसे अगर आपको एरोस्पेस इसरो में जाना है, तो आप आईआईएसटी में एडमिशन लेके डायरेक्ट इसरो जा सकते हो, वैसे ही आप जो है सीबीएस मुंबई में जाके डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हो होमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट। सो कि यार दोनों ही इंस्टीट्यूट अच्छे थे और दोनों में कोई फर्क नहीं है। आईसर बहुत ज्यादा संख्या में है इसलिए उसके पास फंडिंग कम है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसको कम से कम 450 करोड़ की फंडिंग तो ऑलमोस्ट मिल ही चुकी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।